देन फ्रेंड्स हवा महल के बाद मैं गया जंतर मंतर, जिसका वीडियो फुटेज आपको उसके बाद देखने को मिलेगा। एंड फ्रेंड्स जंतर मंतर भी बहुत एक अच्छी जगह है। वहाँ पर फ्रेंड्स टिकट है 50 रुपीज एडल्ट के लिए, एंड अगर आप फॉरेन से आते हो तो आपकी टिकट है 100 रुपीज। एंड फ्रेंड्स आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, जंतर मंतर जो सन के शैडो के हिसाब से वॉच का टाइम दिखाता है वो 5 बजे के बाद बंद हो जाता है। तो अगर फ्रेंड्स आप यहाँ पर आते हो तो जस्ट ट्राई करना कि 4:30 बजे आपको टिकट मिल जाए, ठीक है। एंड फ्रेंड्स यही वीडियो में एक मैं और वीडियो फुटेज दिखाने वाला हूँ कि मैं वहाँ 4:30 बजे पहुँचा था, तो सन डायल के हिसाब से जो शेडो पड़ रहा था वो भी नियर 4:30 था और मेरी मोबाइल की घड़ी में भी 4:30 ही बजे थे। तो फ्रेंड्स ये भी देखने को अच्छी बात मिली। एंड फ्रेंड डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे लाइक जोडियक साइन के स्ट्रक्चर भी मिल जाएंगे, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकोगे। एंड सन डायलिंग का आपको एक टावर भी मिल जाएगा, तो आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकोगे। तो फ्रेंड्स अगर आप जयपुर आते हैं तो विदाउट फेल आपको जंतर मंतर जाना है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। एंड फ्रेंड्स मैंने इस टाइम से एक और सोचा कि अगर मुझे कोई अच्छी जगह मिलती है तो फ्रेंड्स वहां पर मैं टाइनी प्लेनेट करके एक फोटोग्राफ आता है उसको क्रिएट करूंगा। ये वीडियो के एंड में आपको वो फोटोग्राफ मिल जाएगा। तो आ गया भैया, आप ले जा रहे हो अंदर? जंतर मंतर जयपुर का एक ऐतिहासिक स्मारक है, राजस्थान में बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर बनी है। जंतर मंतर का निर्माण राजपूत राजा सवाई जय सिंह ने किया था और इसका निर्माण कार्य 1738 CE में पूरा हुआ था। जंतर मंतर में दुनिया की सबसे बड़ी पत्थरों की दीवार घड़ी बनी हुई है और साथ ही यह यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। यह स्मारक जयपुर शहर के सिटी पैलेस और हवा महल के पास बना हुआ है। स्मारक में पीतल के यंत्र देखने लायक है और साथ ही इसके अंदर हिंदू संस्कृत शब्दों की कलाकृतियां भी की गई है। उन शब्दों को आप खुली आंखों से अवलोकन कर सकते हो। यह ऐतिहासिक स्मारक प्राचीन आर्किटेक्चरल कलाओं को दर्शाता है और उस समय की नई नई संस्कृतियों की जानकारी देता है, साथ ही 18वीं शताब्दी के लोगों की विचारधारा को दर्शाता है। बहुत से लोगों ने इसकी सुंदरता का अवलोकन भी किया है। स्मारक में 3 मुख्य खगोली ताल में यंत्र है। इस ऐतिहासिक स्मारक को 19वीं शताब्दी में काफी क्षति पहुंची, बाद में मेजर आर्थर ग्रेटर ने इसकी मरम्मत करवाई थी। जयपुर जिले के असिस्टेंट स्टेट इंजीनियर के पद पर रहते हुए उन्होंने ये सब किया था।
तो फ्रेंड्स अब जान लेते हैं जंतर मंतर की कुछ रोचक बातें। जंतर मतलब साधन और मंतर मतलब फॉर्मूला, इसलिए जंतर मंतर का अर्थ गिनने का साधन है। जंतर मंतर महाराजा सवाई राज सिंह द्वारा बनाए गए 5 अवलोकन में से एक है, जिनमें से एक दिल्ली में भी है। जयपुर के जंतर मंतर की पूर्ण प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए दोपहर का समय सबसे बड़ा अच्छा है। जयपुर के जंतर मंतर में 14 आर्किटेक्चरल एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट है। जयपुर का जंतर मंतर पुराने शहर में सिटी पैलेस और हवा महल के बीच में बना हुआ है। जयपुर के जंतर मंतर की तरह ही दिल्ली का जंतर मंतर बना हुआ है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप पूरा जंतर मंतर का व्यू देख रहे हो, लगे इसके लिए आपको लाइक करना है, शेयर करना है, नीचे जो लाल बटन है उसको दबाना है, सब्सक्राइब किए बगैर जाना नहीं है, और आपको फ्रेंड्स को लेकर आना है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।